क्या घर वालों के सामने आ जाएगा भोली का सच, देखना बहुत ही जरूरी बन गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सीन स्पीक्स और मैं हूँ आपके साथ रोशनी यादव। बात कर लेते हैं सीरियल दुर्गा और चारू की। जी हाँ, आपको बता दें कि जो कुछ भी भोली ने किया था बाके के साथ, वो सच उस चीज़ का पूरा जो इल्ज़ाम है वो चारू के ऊपर आ गया था। अब ये बहुत ज़रूरी बन गया था कि भोली के जो सारे कारनामे हैं, करतूत हैं, वो बाहर निकल कर आए दर्शकों के सामने, तो जो और पूरे घर वालों के भी सामने। वहीं पर अब देखा ही जा रहा है कि चारू ने पूरी तैयारी कर ली है, अपनी तरफ से पूरा जोर लगा दिया है कि भोली खुद के मुंह से सारा सच जो है सबके सामने लेकर आए। वहीं पर अब ये देखा जा रहा है कि जो भोली को पूरी तरीके से बांध दिया गया है, उसके हाथ और पांव उसको ज़मीन पे लिटा दिया गया है। वहीं पर अब जो चारू ने एक स्टेप लिया है, वो शहद लेकर आती है, उसके पैरों पर लगा देती है, और जो काफ़ी सारी चींटियों को एक बॉक्स में लेकर आई होती है, वो चींटियों का जो बॉक्स है वो पूरे चींटियाँ उसके पैरों पे डाल देती है और भोली वहाँ पर पूरी तिलमिला उठती हैं। वहीं पर अब ये देखा जा रहा है कि जो चारू ने बोला है कि तुमने बापू के साथ क्या किया था, यानी मतलब भोली ने जो कुछ भी बाके के साथ किया था उसका सच जानने के लिए उसको एक मतलब बताती है कि अगर तुमने वो सच नहीं बताया तो वो जो बचा हुआ जो शहद का डब्बा है वो उसके मुंह पे लगा देगी और बाकी कुछ बची कुछ जो चींटियाँ हैं वो उसके मुंह पर डाल देगी। तो ये जो भोली को बहुत ख़तरनाक एक चीज़ लगती है, तो वो बताने ही जा रही होती है सच। तो अब ये देखना बड़ा ही ज़रूरी बन चुका है कि क्या भोली सारा सच घर वालों के सामने ला पाती है, या फिर कई और कुछ अलग तरीके से खुलासे नज़र आएंगे हम लोगों के सामने। तो देखना बड़ा ही अहम और मज़ेदार होने वाला है कि क्या कुछ होता है दुर्गा और चारू के सेट। तमाम इससे जुड़ी बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ, तो देखते रहिए सीन स्पीक्स।